सदन के दौरान जो बीजेपी की एमपी है उनकी स्टेटमेंट जो फार्मर्स के खिलाफ? देखिए, 10 दिन का हमने मानसून सेशन रखा और मानसून सेशन के पहले दिन जो शोकागार होते हैं उस पर सभी नेताओं ने विचार रखे। क्वेश्चन ने आंसर शुरू होने वाले थे, प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने अपनी बात उठाई और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पर हम चर्चा चाहते हैं। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, पर किस नियम के तहत चाहते हैं? कहा नियम 67 के तहत चाहते हैं। पर आप ये बताइए, आपने तो नियम 130 के तहत आज के लिए आपदा के पर चर्चा के लिए सभी मांगा, फिर 67 के तहत जब आप चर्चा का चाह रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर चाह रहे हैं? जहां दो नशे के व्यापारी, एक हरियाणा से आता है थे, उनके बीच आपस में झगड़ा होता है, उसके लिए नियम 67 के प्रस्ताव पर वो चर्चा चाहते थे। नियम 67 क्या कहता है कि ऐसी स्थितियां जहां प्रदेश की हालत बहुत नाजुक होने जा रही है, आपदा से संबंधित होती है और कई चीजों से संबंधित होती है, उस पर चर्चा लाई जाती है। महज बद्दी की घटना को आधार मानकर आप नियम 67 के तहत चर्चा लाना चाह रहे हैं, फिर उस नियम 67 का अहमियत क्या रह जाएगी जो और नियमों के तहत चर्चा होती है? नियम 67 पर चर्चा स्थगन प्रस्ताव, यानी कि प्रदेश में सभी काम काज छोड़कर, सभी प्रकार के काम काज छोड़कर इस पर चर्चा लाई जा सकती है जब बहुत गंभीर चिंता का विषय होता है। ऐसा जयराम जी मुझे लगता है कंफ्यूज हो चुके हैं, उन्हें यही चर्चा 130 पर लानी चाहिए थी, हम उस पर तैयार हैं। अब आपदा पर चर्चा आए, फिर मेरे को लगता कि जब नीचे नारे लगाने के बाद पता लगा कि हम तो गलत हो गए हैं, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर पर भी चर्चा ला रहे हैं तो कंगना रनौत का जी का भी बयान है उसमें, और भी घटनाएं घट रही है, महिला कांग्रेस बाहर बैठ के क्या काम कर रही है लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात करते हो, तो आपको जब एहसास हुआ तो आप 10 मिनट के अंदर वॉकआउट करके अंदर आ गए, 10 मिनट में आ गए। मतलब उन्होंने वॉकआउट दर्ज करवाना था, चर्चा में उनकी ज्यादा रुचि नहीं है। प्रदेश में विकट आपदा आई है, प्रदेश के दूसरे साल में आपदा आई है, तकरीबन 60 के करीब लोग मिसिंग है, जिसमें से कुछ की डेड बॉडीज मिल चुकी है, अब उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि विपक्ष सार्थक चर्चा करे, सरकार के ध्यान में बातें लाए, हम उनका हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्हें फैसला पहले यही करना चाहिए था, एक तरफ आप आपदा का नोटिस 130 के तहत दे रहे हो, एक तरफ आप सब काम काज छोड़कर बोल रहे हो कि 67 पर चर्चा की जाए। मेरे ख्याल जो विधायक दल है भारतीय जनता पार्टी का, वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है या उनकी अपने विधायकों पर पकड़ नहीं रही है। इस प्रकार की वारदात और इस प्रकार की जब चर्चाओं पर हिस्सा लेने की बात आती है तो ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है, ये मैं कहना चाहूँगा। नहीं, मुझे तो अभी महिला कांग्रेस ने विधायक विज्ञापन सौंपा है, क्योंकि मैंने निकलना था, मैंने विज्ञापन को पढ़कर मैं आगे जो भी होगा उस पर आगे के बढ़े, आगे जो हम बढ़ना चाहेंगे बढ़ेंगे। सर, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रही है? नहीं, पुलिस ने कोई कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठाना, उनका कहना है
कि उनको तुरंत प्रभाव से उनको बुलाया जाए, तो उस मामले में जो भी अधिकारी से सूचना प्राप्त होने के बाद आगे जो भी नियम बनते हैं, कानून बनता है, वो सबके लिए बराबर होता है, तो उस आधार पर देखा जाएगा। सर, कंगना रनौत के स्टेटमेंट को लेकर सदन में एक रेजोल्यूशन लाया गया, कंडम किया गया है। देखिए, किसान और बागवान इस देश के अन्नदाता है, उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना अच्छा नहीं है, और लोकतंत्र में चाहे किसान है बागवान है, सबको आंदोलन करने का अधिकार है, और इस प्रकार की बयानबाजी करके उनका अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बयान से अपने आप को अलग रख लिया है, और जयराम ठाकुर जी से जब इस बारे में हम प्रस्ताव हमारा या हर्षवर्धन चौहान जी लाए तो पूछा गया, उन्होंने भी अब क्या कहा है वो आप के सामने ही है। धन्यवाद।